वेलकम टू बिट्स पिलानी, पिलानी कैंपस। आज से 5 साल पहले 2018 में इसी गेट के थ्रू मैं बिट्स में पहली बार अंदर गया था। जब आप भी बिट्स पिलानी आओगे सबसे पहले इसी गेट के थ्रू अंदर जाओगे, सो डेफिनेटली इस गेट से काफी यादें जुड़ी है मेरी। सो चलते हैं अंदर एंड लेट्स स्टार्ट आवर कैंपस टूर। सो दिस इज हाउ वी एंटर द कॉलेज। यहाँ पर हम साइन करते हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। ऑन माई राइट देर इज बिट्स स्विमिंग पूल। अभी कोविड के बाद से फंक्शन नहीं हो रहा है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यूअर स्विमिंग पूल कैंपस के बाहर। बॉसम में स्विमिंग कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट्स वहीं टेक प्लेस करते हैं। दिस इज द वी फास्ट हॉस्टल। यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स, फैकल्टी, फैकल्टीज फैमिली, एक्सटर्नल प्रोफेसर यहाँ सब स्टे कर सकते हैं। दे हैव वेल फर्निश्ड रूम्स, वेल डाइनिंग हॉल। ऑल्सो यहाँ पे डायरेक्टर्स टी पार्टीज, टीचर्स कॉन्क्लेव, ऐसे प्रोफेशनल इवेंट्स ऑल्सो टेक प्लेस। वी फास्ट के जस्ट सामने एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सपने पूरे होते हैं। तो गाइस अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे एक बिट्सियन की जर्नी फाइनली कंप्लीट होती है। तो आप गेस करो, पूरा वीडियो देख के आओ और फिर वीडियो के एंड में आपको यहीं पर मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि व्हाई दिस प्लेस इज सो स्पेशल फॉर एवरी बिट्सियन। गाइज 44 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ दिस इज कॉल्ड रोटुंडा। यहाँ पे रात को बहुत सारे जैमिंग सेशन रहते हैं, कोई रैंडमली लोग आके गिटार बजा रहे हैं, एक दूसरे से मीटिंग कर रहे हैं, सीनियर्स जूनियर्स यहाँ पर मीट करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ एन ओपन एयर थिएटर और यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स की मीटिंग्स भी होती है, बहुत सारे क्लब्स के सीनियर्स और जूनियर्स मिलते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो क्लॉक टावर है यहाँ से आप FDs देख सकते हो। दिस इज FD2। FD1 इसके पीछे है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। FD बाय द वे इज फैकल्टी डिविजन। यहाँ पे हमारी कुछ क्लासेस चलती है। दिस वन इज FD3। यहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारी केमिस्ट्री की लैब FD3 में हुआ करती थी फर्स्ट ईयर में। तो मेरे पीछे क्लॉक टावर है और इसके उस साइड नैब है, दैट इज द न्यू एकेडमिक बिल्डिंग। तो चलो आपको नैब के क्लासरूम में ले चलता हूँ। सो गाइज अभी मैं नैप के एक रूम पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड है। सो यहीं पे हमारी कई सारी क्लासेस होती है, कई सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, कई सारे लेक्चर्स होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स भी यहाँ पे होते हैं। यहाँ की एक बहुत ही अमेजिंग बात कि यहाँ पर ACs है। गर्मियों के टाइम पे यहाँ के कुछ रूम 24 घंटे खुले रहते हैं ताकि बच्चे यहाँ पे आके पढ़ सकें, अपना रीड कर सकें, जो भी करना है कर सकें। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक फीचर। नैब काफी सुंदर है और नैब के बीच में स्नेक पाथ है, वो भी काफी सुंदर है। बिट्स पिलानी, इट्स मैजिक। और गाइज जिस स्नेक पाथ की मैं आपको बात बता रहा था वो स्नेक पाथ ये है। जी स्नेक पाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि देख सकते हो आप ये काफी मियांडरिंग सा है, जस्ट एक सांप की तरह। यहाँ से सामने क्लॉक टावर दिखता है, पूरा नैब का व्यू आता है, इसके उस साइड हमें सरस्वती मंदिर देखने को मिलता है। तो बहुत ही शानदार व्यू है गाइस। तो गाइस अभी मैं हूँ सरस्वती मंदिर के सामने। हम सब यहाँ पे आते हैं कभी कभी, अंदर बैठते हैं, पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ हम आया करते हैं, यहाँ पे हमको पीस मिलती है, बहुत अच्छी वाइब है अंदर की। यू फील मच मोर पॉजिटिव एंड पीसफुल आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस। सो गाइज वेलकम टू जिम ग्राउंड, जिसको हम प्यार से जिम जी बुलाते हैं। ये हमारा खेलों का मैदान है जहाँ पे बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, ओपन जिम, हॉकी, क्रिकेट एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स। और आपको यहाँ के बारे में एक स्पेशल बात बताता हूँ। ये जो ओपन जिम है ये मेरे बिट ज्वाइन करने के बाद, मतलब बेसिकली कोविड लॉकडाउन के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसी के आसपास। ऐसे ही यार बहुत सारी चीजें बिट्स में ऐसी है जो मेरे आने के बाद बनी है। तो बिट्स साल दर साल हर साल बेटर होते जा रहे हैं, जब तक आप आओगे वो और बेटर हो चुका होगा। सगाई जब मैं हूँ कनॉट प्लेस पे, दिल्ली का नहीं बिट्स पिलानी का। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टोर, बाल कटाने का स्टोर, टेलर, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। बहुत सारी खाने की जगह तो यहाँ पे है ही। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स की पार्टीज होती हैं या मीटअप्स होते हैं, सीनियर्स जब जूनियर्स को ट्रीट देते हैं, बहुत सारे ट्रीट्स यहाँ पर दी जाती है। सभी बिट्सियंस के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होती है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा रौनक है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। और आई रिमेम्बर दैट डे जब मैं कोविड के टाइम पे यहाँ पे कुछ सामान लेने अपना आया था, एट दैट टाइम कोई नहीं था एंड इट फेल्ट लाइक भाई यही वो जगह है जहाँ पे इतने बच्चे रहते थे। बहुत सुनसान लग रहा है। कैसे लग रहा है वो पिलानी में? बंजर। बच्चे ही हैं जो इस जगह को यू नो स्पेशल बनाते हैं। अगर यहाँ स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे तो ऐसे बंजर सा फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे। बट बिट्सियंसी बिट्स को बिट्स बनाते हैं। कनॉट तो लगभग 11:30 के आसपास बंद हो जाता है, बट कुछ फूड आउटलेट्स रात के 2 बजे तक रहते हैं। तो चलो उन फूड आउटलेट्स में आपको ले चलता हूँ। सो गाइस अभी मैं हूँ अमूल के सामने, जहाँ ऑब्वियसली अमूल का सामान मिलता है। यहाँ पे अलग अलग डेयरी आइटम्स मिलते हैं जैसे लस्सी, दूध एंड सो ऑन। सो जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है वो है
एंक, दैट इज ऑल नाइट कैंटीन। सो गाइज, अपनी सारी मिडनाइट की जो फूड क्रेविंग्स है वो दूर करने हम यही आया करते थे। ऑल नाइट कैंटीन मतलब ऑल नाइट तो नहीं रहता है बट 2 AM तक रहता है, और एग्जाम टाइम पे कभी कभी 2:30 बजे तक या फिर कभी कभी 3 बजे तक भी रहता है। यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज सब तरह का फूड मिल जाएगा एंड काफी अफोर्डेबल है। जैसे आलू पराठा है 28 रुपए का, मसाला डोसा 50 रुपए का। और हाँ, यहाँ पे आपको पैसे खर्च हो रहे हैं ये पता भी नहीं चलता है, मतलब गूगल पे तो आप कर ही सकते हो बट उसके अलावा एक SU ऐप से भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप की सेमेस्टर फीस के साथ वो ऐड हो जाता है, तो सेमेस्टर फीस तो बहुत ज्यादा होती है तो उसके साथ वो छोटी सी अमाउंट पता भी नहीं लगती है। एंड इफ यू थिंक दैट्स इट फॉर द 2 AM आउटलेट्स, नो, देयर आर मच मोर लाइक लूटर्स। तो यहाँ पे आपको मोस्टली फास्ट फूड आइटम्स मिलते हैं जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, मैगी, चाय वगैरह भी मिल जाती है, शेक्स, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन वी हैव टॉक ऑफ द टाउन, जहाँ पर आपको वही सब रोटी सब्जी, दाल चावल, इडली एंड शेक्स वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक -301 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है जहाँ पर आपको बेकरी आइटम्स मिल जाते हैं जैसे कि केक्स, आइसक्रीम्स, पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट स्टफ। सो गाइस, अब खाना पीना तो बहुत हो गया है, अब चलते हैं स्काईलॉन्स। वेलकम टू स्काईलॉन्स गाइस। ये वो जगह है जहाँ पे स्नैप्स होते हैं, तो यहाँ सीढ़ियों पे हम लोग बैठते हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस के, क्लब्स के, डिपार्टमेंट्स के, टीम्स के स्नैप्स यहाँ पे होते हैं, फोटोज यहाँ पर ली जाती है जो कि आप मेमोरी के रूप में ले जाते हो। और फिर यहाँ पास में कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप स्नैप्स के बाद मस्ती कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ईटरीज भी है तो वहाँ से आप कुछ अपना छोटा मोटा आइटम लेके बैठ सकते हो, खा सकते हो। सो ऐसे पिकनिक स्पॉट टाइप लगता है। सो गाइस, अभी मैं हूँ बिरला म्यूजियम की एंट्री पे, इसको बिरला साइंस सेंटर भी बोलते हैं। अंदर अभी तक मुझे मौका तो नहीं मिला जाने का, आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था क्योंकि स्पेसिफिक टाइम्स पे खुलता है, आज तो संडे है तो बंद है। तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में एक चीज रह गई बिट्स के अंदर, एक मेजर चीज जो कवर करनी थी, तो ठीक है एलुमनाई बन के वो कवर करेंगे, एक रीजन रहेगा वापस आने का, है ना। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट कार एवर मेड इन इंडिया इन द ईयर 1928 बाय द बिरला ब्रदर्स। और यहाँ पे एक डकोटा एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में आपको सिनिश बताएंगे। जी डी बिरला के जो पायलट थे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स से आया करते थे एंड ही लैंडेड इन अ सैंडस्टॉर्म इन पिलानी, यही वो प्लेन था एंड फाइनली इसको यहाँ लैंड कराया गया था बाय द कैप्टन हिमसेल्फ। सो गाइस, आई एम एट द एंट्रेंस ऑफ विश्वकर्मा भवन व्हिच इज वन ऑफ द हॉस्टल्स इन बिट्स पिलानी। यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज यू नीड, देयर आर डीसेंट रूम्स, कॉमन रूम्स में रिसेंटली AC लग गए हैं जो कि पिलानी की गर्मी में बहुत ज्यादा काम आते हैं। देयर आर वेंडिंग मशीन जहाँ पे आपको चुटुर-पुटुर आइटम्स खाने की चीजें मिल जाती है। कुछ कॉमन रूम्स में आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, देयर आर क्यूटीज जहाँ पे आप बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल सकते हो। और मैंने ओल्ड हॉस्टल्स ऑफ बिट्स पिलानी और न्यूली रेनोवेटेड हॉस्टल्स ऑफ बिट्स पिलानी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको तुरंत से पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, अभी मैं हूँ लॉन्ड्रोमैट के सामने। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों ने अपने लॉन्ड्री बैग्स छोड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, केजी सिस्टम में होता है कि जैसे आप एक टाइम पे 6 kg तक सामान दे सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और एक टाइम पे आप 6 किलो तक का सामान दे सकते हो। देयर इज अ धोबी सिस्टम एज वेल, जिसमें क्या होता है आप अपने कपड़े धोबी को देते हो एंड उसमें पीस बाय पीस क्लोथिंग के हिसाब से होता है। यहाँ पे पर सेट पैसा लगता है, मतलब 6 किलो तक आप दे सकते हो और जितने आप सेट्स दोगे उसके हिसाब से होगा। और धोबी सिस्टम में आप धोबी को क्लोथ देते हो और पर क्लोथ के हिसाब से प्राइसिंग रहती है। सो गाइस, आज मैं हूँ अपनी मॉम की मेस में और आज यहाँ पर डोसा बना है। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, सब में ही बहुत सारी वेरायटी रहती है यार यहाँ पे मेस में। मैं तो केवल डोसा लिया लेकिन वहाँ पे आपको अंडा, ब्रेड, दूध, कॉर्नफ्लेक्स एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सिमिलरली लंच में, डिनर में भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। एंड देयर इज अ पिट स्टॉप एज वेल, जहाँ से आप कुछ छोटे-छोटे आइटम जैसे कि बिस्किट, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सब भी ले सकते। सो पूरे कैंपस में आपको डिफरेंट रेडीज मिल जाएगी जहाँ पे आपको ऐसे छोटे मोटे आइटम्स मिलेंगे, चुटुर-पुटुर आइटम्स मिलेंगे जैसे कि बिस्किट, नमकीन, पोहा, फ्रूट चाट, मैंगो शेक, बनाना शेक एंड ऑल दैट स्टफ। ये काफी अच्छा सिस्टम है जो कि हैदराबाद कैंपस, गोवा कैंपस में नहीं है एंड इट गिव्स यू दैट लेगेसी फील जो कि पिलानी कैंपस में है, क्योंकि कुछ कुछ रेडीज यहाँ पे ऐसे है ना वीरेंद्र, 50-50, 60-60 साल पुरानी है। सो सम रेडीज आर लाइक मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड। और कई रेडीज में ऐसा भी है कि जैसे किसी ने मतलब स्टार्ट करा था, अभी उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस रेडी को संभाल रही है। सो यू नो जनरेशन जनरेशन मतलब एक काफी पूरा एक लेगेसी है। सो गाइस, अभी मैं खड़ा हूँ LTC के एंट्रेंस पे, दैट इज लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स। मेरी बिट्स पिलानी की फर्स्ट एवर क्लास LTC में हुई थी और मेरी एक लास्ट क्लास तो नहीं बट एक सेशन बोल सकते हो वो भी LTC में हुआ था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि प्रगति आपको हमारे LTC का बिगेस्ट रूम दिखाए। दिस इज वेयर द क्लासेस टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड द लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स। यहाँ मेजरली फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है और उनके कोर्सेज काफी कॉमन होते हैं। दिस इज अ हाइब्रिड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, स्मार्ट बोर्ड एज वेल एज ब्लैक बोर्ड
is used. It is designed in a very theatrical platform. So guys, LTC में कुछ बहुत बड़े rooms हैं और कुछ बड़े rooms हैं. तो प्रगति जिसमें बैठी थी, that was a very big room and this one is a big room. तो this is 5101. ये मेरे लिए काफी special room है because this is the room जहाँ पर Schlumberger आई थी और उन्होंने अपना PPT दिया था pre-placement talk. तो वैसे तो बहुत सारी companies अब online placements भी करती है, but जो companies college में आके recruit करती है, offline recruiting करती है, उनमें से बहुत सारी LTC में आकर भी अपनी pre-placement talks देती हैं. Exactly इसी seat पर बैठ के I was watching the PPT and I was just excited कि आगे क्या होगा, क्या मेरा resume shortlist होगा, क्या मेरा second round होगा, क्या मेरा selection होगा, जो कि ultimately हो गया था. So yeah, just wanted to share that with you. So guys, LTC में हमारे पास एक vending machine भी है जो कि classes के बीच में जो craving होती है आपकी उसमें बहुत काम आती है. Classes के बीच में generally 10 मिनट का gap रहता है, तो 50 minutes की एक class होती है, फिर 10 मिनट का gap, फिर 50 minutes की class. उस gap में हम लोग आया करते थे, यहाँ से कुछ अपने लिए जूस ले लिया, बिस्किट ले लिया, नमकीन ले लिया. Most of the students have gone home. अभी यहाँ पर classes नहीं हो रही है तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बट नॉर्मली यहाँ पे काफी कुछ रहता है. सो दिस इज द वेरी फेमस टू फ्लोर पिट्स पिलानी लाइब्रेरी. इसमें एयर कंडीशन रूम्स हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ बुक्स हैं. राजस्थान एज यू ऑल नो इतनी गर्मी होती है, लोग यहाँ आके पढ़ते हैं, रूम छोड़ के पूरा दिन बैठते हैं. अनदर वेरी गुड फैक्टर अबाउट इट, कॉम्प्रीज मिड सेम के टाइम पे ये 24 आवर्स खुली रहती है. आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी आ सकते हो एज पर योर कम्फर्ट. इफ यू वॉन्ट टू सिट इन एन एसी रूम यू कैन, इफ यू डोंट वॉन्ट टू सिट इन एन एसी रूम यू वॉन्ट योर ओन कंपार्टमेंट स्पेस यू कैन. लेट अस सी हाउ ग्रेट दिस लाइब्रेरी इज. जस्ट आफ्टर एंटरिंग द लाइब्रेरी वी हैव दिस सिस्टम इंस्टॉल्ड जिसमें हम सेल्फ इशू और रिटर्न कर सकते हैं बुक्स. हमें बस अपनी बुक को यहाँ प्लेस करना है, अपना रिटर्न और इशू पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ स्लिप आ जाती है. ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है, बहुत टाइम और एनर्जी सेव हो जाती है इससे. सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट द हेरिटेज गैलरी ऑफ द लाइब्रेरी. यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारे फेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है. यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये वाला है कि अभी तक जो 107 यूनिकॉर्न है इंडिया में, उसमें से 10 बिट्स एंसलेट करते हैं. कैन यू इमेजिन, मतलब 107 में से 10 तो केवल बिट्स वाले बच्चों के, और आप आके यहाँ पे बिट्स के बारे में और चीजें जान सकते हो. तो अभी जैसे हमने देखा कि लाइब्रेरी कॉम्प्री के वक्त हमेशा खुली रहती है और लाइब्रेरी में ऐसा कुछ सोर्स ऑफ फूड है नहीं, तो लाइब्रेरी के जस्ट सामने फूड मिनिस्ट्री है. हम जब चाहे कॉम्प्री के टाइम, क्लासेस के वक्त, इधर उधर से आते जाते, इस एरिया की बहुत अच्छी ईटरी है. Another point is कि SR के पास एक लौती मेजर ईटरी है, जो बाकी सारी ईटरीज है ना वो तो ऐसे लगते हैं मनाली ट्रिप जा रहे हैं. सो पास में यही है, इधर ही आके खाओ. ये वैसे तो 4 बजे खुलता है, बट जब भी हमारे एग्जाम होते हैं तब ये 2 बजे के आसपास खुल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर. एग्जाम्स के टाइम हमें मेस का खाना तो खाना याद रहता नहीं है, तो यहाँ 4 बजे तक खोले रखते हैं ये. सो हम आराम से आते हैं खाने. और दूसरा ये कि वर्कशॉप एकदम पास में है, तो वर्कशॉप में मेहनत करने के बाद, सीटें पीटने के बाद यही आना होता है और खाना खाना होता है. तो गाइस, अभी मैं हूँ श्रीनिवास रामन भवन में, जिसको प्यार से एसआर भवन बुलाते हैं. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर राइट्स रहते हैं, सब बच्चे अपनी साइकिल्स यहाँ पे रखते हैं एसआर भवन की. क्योंकि बिट्स का कैंपस बहुत बड़ा है, तो यू नीड साइकिल्स हियर टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट्स एडवाइजेबल टू कीप साइकिल्स हियर. अगर बिट्स के और भवन से कंपेयर करोगे, ये बिल्कुल अलग सा भवन है, और इस पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. तो ये कैंपस टूर पूरा देखने के बाद आई वुड रेकमेंड यू टू सी दैट वीडियो. ये हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है, जिसे कहते हैं एसआर हॉस्टल या फिर अपनी भाषा में लकड़ी का हॉस्टल, क्योंकि यहाँ दीवार के एक मुक्का मारोगे आर पार होता है. जब कैंपस आओगे बहुत लोग बोलेंगे कृष्णा बेस्ट है, गांधी बेस्ट है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, एसआर इज द बेस्ट हॉस्टल यहाँ पर. तो गाइस, मेरे पीछे आप एक शानदार सी बिल्डिंग देख सकते हैं, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. सो बिट्स में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर काफी सही है और यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ही बन रहा है. सो इसमें पाइट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, एंड एज फार एज आई हैव हर्ड यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर बनने वाला है. सो दिस इज द स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर, जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे की डांस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, मार्शल आर्ट एंड मेनी अदर थिंग्स. अभी मैं जहाँ पे हूँ, दैट इज कॉल्ड सैक एम्फीथिएटर. यहाँ पे फेस्ट के बाद रिव्यू मीट्स होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं. और सैक की एक और खास बात है कि यहाँ पे गेम्स के अलावा हर डिपार्टमेंट का एक अलग स्पेशल रूम है. जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ जावेद हबीब के सामने. जावेद हबीब में बाल कटते हैं, दाढ़ी कटती है, सैलून है बेसिकली. अंदर आपको पहले से बुकिंग करानी रहती है, बिकॉज लाइक काफी डिमांड रहती है यहाँ की. तो इट्स लाइक अगर आज आप लोगे तो प्रॉब्ली आपको कल की बुकिंग मिलेगी. अच्छा यार, अंदर मतलब एसी है, गाने चलते रहते हैं. वी आर अ स्टूडेंट एंड बॉडी, आवर मेन पर्पस इज टू सॉल्व द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड एनहांस द कैंपस लाइफ. सो बाकी आप कैंपस आओ एंड एंजॉय करो, एंड आपके हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी आर हियर एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिटी. वेलकम बैक गाइस. ये जगह हर बिट्स के लिए स्पेशल क्यों होती है, शायद आपने गेस कर लिया हो. इफ यू हैवंट गेस्ड इट येट, दिस इज द प्लेसमेंट यूनिट, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सपने पूरे होते हैं. आज से कुछ महीने पहले फरवरी में मैं भी यहीं पे आया था, कोट पैंट पहन के, वेटिंग फॉर माई चांस, वेटिंग फॉर माई इंटरव्यू. दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी. सो डेफिनेटली दिस प्लेस होल्ड्स अ लॉट ऑफ मेमरीज इन माई हार्ट, अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट मेमरीज इन माई हार्ट. सो यार, दिस प्लेस विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल फॉर मी. सो गाइज, ये है बिट्स का मेन गेट, जहाँ आप फर्स्ट ईयर में सबसे पहली बार आते हो, एंटर करते हो, यू सी द कैंपस. मेरी तरह जब आपके पूरे 4 या 5 साल यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, तो आप यहाँ से ही वापस जाते हो.
तो अभी सुबह के 10:40 हो रहे हैं, शाम को 7-8 मुझे यहाँ से जाना है। कुछ लास्ट के आवर्स स्पेंड कर रहा हूँ कैंपस में, इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, नॉस्टैल्जिक फीलिंग। बाकी आई होप यू एंजॉयड द कैंपस टूर। इफ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, यू आर वेलकम। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, अमेजिंग वाइब्स एंड इवन मोर अमेजिंग पीपल। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए कीप 100% इन व्हाटएवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल। थोड़ा पास आके पियो, ऐसे 2 लोग भी लगने चाहिए, ऐसे 5 किलोमीटर दूर। KFC क्या है ये? कपूर्स फास्ट फूड कॉर्नर। ब्लू मून पे ग्रीन लाइट, वाह। पाइट्स इज वर्किंग ऑन दिस, जो भी पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो भी है। हाँ, बहुत सारे खाने की जगह है तो यहाँ पे बाकी अभी आज बाकी